वेलकम टू द सक्सेस होम ट्यूटर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस वीडियो में एसिड बेसिस सॉल्ट्स में एसिड का डिफिनेशन, बेसिस का डिफिनेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन आप कर देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं, वीक बेस किसे कहते हैं, डायल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस एंड डायल्यूटेड एसिड बेस। ओके, देन आफ्टर देखे थे सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, एंड देन आफ्टर उस रिएक्शन सब देखेंगे और उसके कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट, देन आफ्टर इंडिकेटर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखेंगे, देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहले देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसमें देखेंगे पहले जो कोई भी एसिड या बेस को यदि अपन मेटल से रिएक्ट कर, मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन बनता है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज आइदर एसिड और बेस प्लस मेटल। ओके, तो व्हाट विल बी द फॉर्म, जस्ट से एसिड बेस प्लस मेटल, तो ये बनेगा ऑलवेज सॉल्ट। ओके, सॉल्ट प्लस एस टू रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैसेस। अब इसका एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब ये हमेशा रिकॉल करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, एसिड्स आइदर एसिड प्लस और आइदर बेस प्लस मेटल, देन ऑलवेज इट विल बी फॉर्म्ड सॉल्ट प्लस एस टू, सॉल्ट प्लस एस टू। सॉल्ट प्लस एस टू। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। फर्स्ट वन इज HCl प्लस Zn, व्हाट विल द फॉर्म, जिंक एक मेटल है, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, जिंक क्लोराइड का प्लस एस टू का रिलीज, एस टू रिलीज हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2 एंड एस टू विल बी रिलीज। फिर देखते हैं इसी का H2SO4 ले लेते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, प्लस मेटल में कोई भी यदि जिंक लिए हैं तो जिंक ही ले लेंगे। ओके, ये क्या बन जाएगा, ओके एंड एस टू का रिमूव, इसी तरह ये भी इस एरो भी बना सकते हैं, ZnCl2 इधर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपको ZnSO4, देन आफ्टर एस टू रिलीज हो जाएगा। एक एसिड और ले लेते हैं NaOH, दो एसिड लिए हैं अपन तो एक बेस ले लेते हैं, NaOH प्लस ZN लेते हैं तो ZN ही ले रहे हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ZN, जिंक लिया, ये बन जाएगा ZnOH2, ये ZN इसका सॉल्व, ZnOH2 जिंक का वैलेंसी तो होता है, प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, H2 अच्छा सॉल्ट बनेगा ना, ये तो बेस हो जाएगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंक, Na2ZnO2 जी, Na2ZnO2 का सॉल्ट प्लस H2 बन जाएगा। आप देखें ना, एसिड अदर एसिड और अदर बेस प्लस मेटल, इट विल फॉर्म ओवर सॉल्ट प्लस H2, तो वही सॉल्ट प्लस H2, ZnSO4, ZnCl2, Na2, NaZnO2। ओके, तो हम लोग अब आगे बात करेंगे, ये अपना फर्स्ट रिएक्शन था जो एसिड और बेस प्लस मेटल, व्हेन एसिड एंड बेस विल बी रिएक्ट विद द मेटल देन ऑलवेज इट विल बी फॉर्म सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन का रिलीज होना। ओके, अब लिखते हैं हम लोग सेकेंड वन। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर ही आएगा ये सेकेंड वन इज, जस्ट आई एम राइटिंग, एसिड प्लस बेस
क्या बनेगा, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। एसिड प्लस स्पेस विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके तो हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं, दिस इज नोन कॉल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहेंगे, डेफिनेशन में कभी पूछ भी लेता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू विल टेल ऑलवेज दैट व्हेन द एसिड विल बी रिएक्ट विद द बेस इट विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखा है, एक एग्जाम्पल लिया, ये तो आपका ये होता है, जैसे HCl ले लिया प्लस NaOH ले लिया हुआ NaOH। ओके क्या ये एसिड है और ये बेस है, बन क्या जाएगा, NaCl का सॉल्ट बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर जो H2O अपना आता है वाटर बन जाएगा। ओके तो ये रिएक्शन भी आप लोग देख लिए होंगे, सेकेंड वाला। फर्स्ट वन क्या था, आइदर एसिड और बेस प्लस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2 का रिलीज, हाइड्रोजन का रिलीज। सेकेंड वन क्या है, एसिड प्लस बेस विल बी ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अपना दो रिएक्शन यहाँ पे होता है, टोटल हम लोग पांच पढ़ेंगे, देखते हैं पांच में क्या क्या है। दो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, फर्स्ट वन था मेटल के साथ, सेकेंड वन एसिड एंड बेस खुद आपस में रिएक्ट कर रहा है। फर्स्ट वन था आयदर एसिड और बेस विल रिएक्ट विद द मेटल। चलिए थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन देख लेते हैं क्या है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ओके अब देखिए, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड विल ऑलवेज सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये क्यों बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, अब बोलेगे सर क्यों बनाएगा, तो एसिड बेस वाला रिएक्शन ही बन गया सेम, क्योंकि एसिड प्लस बेस वाले में बनता था सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये ऑलवेज बेसिक इन नेचर होता है, ये भी एक बेस ही है, ये एक बेस है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं पिछले वाले रिएक्शन से जो अपने पढ़े थे ना, एसिड प्लस बेस विल ऑलवेज फॉर्म्ड सॉल्ट प्लस वाटर, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हेयर एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, इफ मेटल ऑक्साइड विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, व्हाई, द रीजन बिहाइंड दिस इज क्लियर दैट मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो ए बेस। ओके तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं रह गया, एक रिएक्ट आप एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं, जैसे HCl मैंने लिया है, एसिड HCl एसिड लिया प्लस Na2, ये क्या है सोडियम मेटल है और मेटेलिक ऑक्साइड मीन क्या, सोडियम का ऑक्साइड Na2 ले लिया, बन क्या गया NaCl प्लस वाटर। तो आप देख पा रहे हैं वाटर हमेशा आ रहा है और ये सॉल्ट ही तो है, ये NaCl का सॉल्ट ही होता है। इसका रिएक्शन देख लिए, अब इसको रब नहीं करते हैं, फोर्थ वन यही देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ वन क्या देखते हैं, इसमें लिया था मेटल, इसमें ले लेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, जी हाँ नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड ये बना दिया आपको सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या होगा। तो जिस तरह मेटेलिक ऑक्साइड व्हिच इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर, इन सिमिलर वे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया एसिड, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ये हो गया बेस, तो सेम फॉर्मेशन यहाँ भी हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करिए, कोशिश ये करिए जो आई मीन एसिड प्लस बेस फॉर्म्ड सॉल्ट प्लस वाटर, दैट रिएक्शन वॉज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन सिमिलर वे एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दैट रीजन बिहाइंड दैट दैट मेटेलिक ऑक्साइड
आर बेसिक इन नेचर, तो बेस का काम कर गया एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। इन सिमिलर वे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन का ऑक्साइड ले लीजिए आप, CO2, प्लस बेस में कुछ ले लीजिए, यहाँ पे NaOH लिया, NaOH क्या बनाएगा, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ओके, प्लस वाटर, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई कुड नॉट राइट हियर, बट वाटर, Na2CO3 प्लस वाटर। तो देखिए अपन चार पर एक बार लास्ट पढ़ के फिर से रिकॉल कर देंगे सबको। ये चार रिएक्शन हो गया, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटेरियल ऑक्साइड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। काइंडली इफ यू लाइक द वीडियो शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द सक्सेस होम ट्यूटर चैनल बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, लेट्स सी फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं हम। एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, एसिड प्लस मेटल, ओके, मेटल कार्बोनेट और बेसिक कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट हाइपर में दिया है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्थ वन क्या है। एसिड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और एसिड प्लस मेटल, एसिड का रिएक्शन करवाए मेटल कार्बोनेट एज अ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट क्या बना देगा, क्या बना देगा। तो इसमें क्या है, एसिड प्लस बेस ही है वो, लेकिन कार्बोनेट है ना। तो देखिए सॉल्ट प्लस वाटर तो दिख रहा है अपने को, सॉल्ट प्लस वाटर, बट यहाँ CO2 गैस का रिलीज भी होगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ओके, ये CO2 कार्बोनेट के प्रेजेंस के कारण रिलीज होती है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप अपने एसिड में क्या ले लिए, एसिड में ले लिए HCl प्लस मेटल कार्बोनेट में क्या लेंगे, मेटल मीन सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 बनेगा क्या, क्या सॉल्ट प्लस वाटर तो कंपलसरी है, वहां पे CO2 आप ऐड एडअप कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे NaCl का सॉल्ट निकल जाएगा, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर लिख दीजिए आप, प्लस CO2 ले लीजिए। ओके, एक CO2 का टर्म बढ़ जाती है रिएक्शन, ये इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कार्बोनेट, ओके, कार्बन के कारण बढ़ जाती है। अब यहीं पे पांच रिएक्शन था, पांचों कंप्लीट होता है यहाँ पे रिएक्शन। बेसिकली रिएक्शन मैं बोल देता हूँ और उसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। फर्स्ट वन वाज दैट आइदर एसिड और बेस प्लस मेटल, ओके, प्रोडक्ट में क्या था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का रिलीज। ओके, सेकेंड वन था एसिड प्लस बेस, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, थर्ड वन क्या था, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तो एसिड प्लस बेस ये भी बना देगा सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर। फोर्थ वन क्या था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड प्लस बेस, ये भी बना देगा सॉल्ट प्लस वाटर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन क्या था, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट आदर और मेटल बाइकार्बोनेट, इसमें क्या होगा, ये होता है बेसिक नेचर मेटल कार्बोनेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस सॉल्ट प्लस वाटर तो आएगा चूंकि वो एसिड प्लस बेसिक था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट यहाँ पे CO2 का रिलीज भी होता है, CO2। ओके, तो यहीं पे आपका पांच रिएक्शन पांचों खत्म हो जाता है 15 मिनट के अंदर। देन आफ्टर वी शैल सी इंडिकेटर्स, अब चलते हैं इंडिकेटर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिकली इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, ये थियोरिटिकल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी देखेंगे। इंडिकेटर्स मैं आपको डिफिनेशन बेसिकली बता दूंगा, बोल दूंगा ओरली, वी हैव टू राइट। दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, ओके, जो केमिकल का नेचर रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हमें हेल्प करते हैं, उसी को तो इंडिकेटर कहते हैं। देन आफ्टर एग्जाम्पल यदि आएगा तो उसमें आप कह सकते हैं लिटमस सॉल्यूशन, ओके, लिटमस फिनोक्सिलिन जो भी होता है वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ देखिए
उसके बाद आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेसिक क्या होता है बेसिकली, जो वो अपना नेचर चेंज करते रहता है। इट मीन्स ऑर्डर ऑर्डर के कारण। आप देखिए डिफिनेशन पहले लिख लीजिए, दो सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए वेनिला, ऑनियन, एलोव। ओके, तो स्मेल ऑफ ऑनियन एंड वेनिला डिमिनिशेज इन ए बेस एंड रिमेन्स एज इट इज एन एसिड। ओके, तो बेसिकली ये कहना चाहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस ये अपना ऑर्डर को चेंज करता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है। तो दो इंडिकेटर्स व्हिच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स बट ऑल्सो डिटेक्ट डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्सल में सिर्फ वो एसिड और बेस का ही पहचान नहीं करता, वो उसका स्ट्रेंथ भी मेजर आउट करता है। ओके, और बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद चलते हैं हम लोग पीएच, पीएच पेपर उसका एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कुछ इंडिकेटर्स एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे इंडिकेटर्स, विजिबल ना इंडिकेटर। सेकंड कॉलम बनाएंगे एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड देन आफ्टर बेसिस, यही है बस। इसके बाद आप अपन सॉल्ट करेंगे, आज देखते हैं कितना तक हो पाता है। उसके बाद सॉल्ट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, पांच टाइप होता था सॉल्ट का, वो देख लेंगे आगे। आज हम लोग बस देखते हैं आज कहाँ तक होता है। लिटमस में ले लेते हैं इंडिकेटर में आपका, फर्स्ट में रेड लिटमस। ओके, पहले क्या करते हैं, तो पूरा ये इंडिकेटर लिख देते हैं, फिर एसिड देन आफ्टर बेसिस। ओके, सेकेंड वाली ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस ना, हाँ ठीक है, ब्लू लिटमस। देन वाली टर्मेरिक, फोर्थ वन फिनोफ्थलिन। जी हाँ, फिनोफ्थलिन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वाली मिथाइल ओरेंज। जी, अब क्या करते हैं, रेड लिटमस में यदि आप एसिड डालोगे तो वो रिमेन्स सेम रहेगा, क्योंकि एसिड का काम ही है वो और टर्न्स कर देता है। और जबकि बेसिस डालोगे, रेड बेसिस में डालोगे रेड लिटमस, तो वो टर्न्स ब्लू में हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, यदि आप एसिड में रेड लिटमस डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन्स सेम सेम। एंड इन सिमिलर वे इफ वी और इसको रेडमस को बेस में डालते हैं, ये ब्लू में टर्न हो जाता है, टर्न्स ब्लू। ओके, तो ये यहाँ पे अपना फर्स्ट जो भी कंप्लीट होता है, ब्लू में क्या करता है, ब्लू में ठीक उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या कर देगा आपको, टर्न्स रेड इन सिमिलर वे, उसमें रिमेन्स ब्लू, रिमेन्स ब्लू या रिमेन्स सेम कर सकते हैं। ओके जी, थर्ड वन क्या है, टर्मेरिक। अब टर्मेरिक का हिंदी तो आप जानते ही हैं, हल्दी या टर्मेरिक। ओके, टर्मेरिक में क्या होता है, तो वो एसिड डालने पे उसमें नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज, जबकि बेस डालने पे वो रेड हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका कभी 1 मार्क 2 मार्क पूछ लेते हैं सीरियस वाले। फिनोफ्थलिन में क्या होता है, तो फिनोफ्थलिन एक स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ये कलरलेस हो जाता है एसिड डालने में, एसिड डालने पे ये फिनोफ्थलिन एसिड में डालने पे कलरलेस, और सिमिलर वे इसमें सर पिंक हो जाएगा, पिंक। जी हाँ, और देन आफ्टर लास्ट मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, इसी इसी में डालने पर रेड हो जाएगा और देना पर इसमें येलो हो जाएगा। ओके तो आप लोग देख लीजिए, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके देन आफ्टर देखते हैं, जी नोट डाउन कर लिया हूँ, तो इसको रब कर दें, रब कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पीएच स्केल होता है वो उसमें आपको देखना पड़ेगा जीरो किसका होता है, उससे उधर यदि लेफ्ट एसिडिक एंड राइट बेसिक होता है तो वो सब भी आप देखिएगा, उससे वो पता चलता है। पीएच स्केल बेसिकली उससे पता चलेगा अपने को जो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो वो भी देखेंगे किसका कितना है पीएच स्केल पे, वो एनसीईआरटी से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। बेसिकली अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। बट इतना याद रखिएगा वाटर का पीएच हमेशा 7 होगा। ओके एंड वो उसके राइट में जाएगा तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह सब ये सब बेसिक में होता है, और इधर आप आइएगा लेफ्ट में तो एसिडिक होता है। ओके मीन्स 7 से राइट 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी करिएगा तो वो सारा बेसिक उधर जाते जाते बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और लाइट लेफ्ट आते आते एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीएच स्केल वही होता है बेसिकली। यहाँ पे उन्होंने पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो ये क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ बारी बारी से। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दैट, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो ये आपको याद रखना है, अपना जो बॉडी है वो बॉडी वो हमेशा काम करता है पीएच रेंज 7 to 7.8। द सेकेंड वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ओके ये भी सही है। द थर्ड वन इज व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी भी पूछ सकते हैं आपको जो एसिडेंट कब कहा जाता है, तो आप कह दीजिएगा जो पीएच जब भी 5.6 से लेस होगी। ओके देन आफ्टर ये पॉइंट यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद टूथ डीके बिलो 5.5, ये भी आपको याद रखना है, जब पीएच वैल्यू 5.5 से लेस हो जाएगा तो टूथ डीके, टूथ डीके होता क्या है, दांत में जो सड़न होने लगती है जो डीकेइंग होते हैं। ओके पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एससीएल, वो एससीएल बैक्टीरिया। ओके ये सॉल्ट, सॉल्ट आप जानते हैं सॉल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेसिस जो होता है वहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो वो सॉल्ट। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ रिएक्शंस और कुछ सॉल्ट्स हैं, 5 सॉल्ट्स टू बी स्टडीड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ओके तो प्लीज़ यदि आप मेरे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डाल दूँगा।